दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों आज आप महसूस करेंगे कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है, इसलिए अपने परिवार को प्राथमिकता पर रखना आवश्यक है। घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करना घर के माहौल को और अधिक खुशनुमा बनाएगा। साथ ही साथ बता दें कामकाज को लेकर कुछ सकारात्मक यात्रा का आज प्लान बनेगा जो आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। संतान संबंधी किसी विशेष कार्य के संपन्न होने से राहत आपको आज महसूस होगी तथा कार्यों को ऊर्जा के साथ पूरा करने का जज्बा बना रहेगा। साथ ही साथ बता दें फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक है। रुपए पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह की अब हेलना करने से आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ बता दें भूमि वाहन भवन आदि के लिए कर्जा लेने की योजनाएं बनेंगी, परंतु चिंता ना करें यह धीरे धीरे आसानी से चुकता भी हो जाएगा। किसी नजदीकी मित्र के साथ गलत फहमियां उत्पन्न आज हो सकती हैं। बेहतर होगा कि संबंध खराब होने जैसी स्थितियां ही आप उत्पन्न ना होने दें। साथ ही साथ आपको बता दें पारिवारिक वातावरण आज अनुशासित तथा सकारात्मक रहेगा। किसी सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव भी आज आ सकता है। आज आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध व उचित तरीके से क्रमबद्ध करके निपटाते चलें, अवश्य ही आपको आज सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ बता दें कुछ समय से चल रही समस्याएं रिश्तेदारों तथा परिवार के लोगों के सहयोग से आज हल होंगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को आज बहुत अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को अल्प प्रयास से ही सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ बता दें व्यवसायिक उथल पुथल तथा आर्थिक मंदी की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटौती आपको आज करनी पड़ेगी, जिससे बच्चे कुछ उदास रहेंगे। इस समय किसी पर भी अति विश्वास आपकी हानि का कारण बन सकता है। रुपए पैसों के मामलों में किसी पर भी आप भरोसा ना करें। साथ ही साथ बता दें रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेन देन करने से आपसी संबंधों में थोड़ी खटास भी उत्पन्न हो सकती है। क्रोध और आवेश के चलते कई बार बनता बनता काम अंतिम चरण में अटक जाएगा, इसलिए धैर्य और संयम से काम करना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपको बता दें आज परिवार के सदस्यों को आपसे कुछ ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी और आप उन्हें पूरा करने में समर्थ भी रहेंगे। उनकी खुशी आपको बहुत अधिक सुकून प्रदान करेगी। आज का दिन धन संबंधी निवेश करने के लिए उत्तम है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में
अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। साथ ही साथ बता दें, विद्यार्थी तथा युवा वर्ग हास प्रयास तथा मनोरंजन संबंधी व्यर्थ के कार्यों में पढ़कर अपने करियर के साथ समझौता ना करें। घर में अचानक ही कुछ रिश्तेदारों के आने से व्यवस्था थोड़ी बिगड़ भी सकती है, साथ ही खर्चों की भी अधिकता रह सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें, आज आप अधिकतर समय आत्म मंथन तथा एकांत वातावरण में व्यतीत करने का प्लान करें। इससे आपको काफी उलझनों से निजात पाने संबंधी हल प्राप्त होंगे तथा अपने अंदर अप्रत्याशित संतोष व ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधी मामला चल रहा है तो उस मामले से संबंधी कोई अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो दोस्तों आपको बता दें, जीवन साथी के साथ संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग तथा सोशल मीडिया में अपना समय व्यर्थ ना करें। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच आज रोमांटिक संबंध रहेंगे। विवाहोत्तर प्रेम संबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। साथ ही साथ बता दें, पति पत्नी के बीच यदि कोई गलत फहमियां और मतभेद चल रहे हैं तो वह आज समाप्त भी हो जाएंगे तथा पारिवारिक माहौल पुनः सुखद हो जाएगा। आपको बता दें, पारिवारिक वातावरण आज सुखद बनेगा। घर के सभी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में सकारात्मक ऊर्जा को व्याप्त रखेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप किसी को प्रेम करते हैं और अपने प्रेम का इजहार उससे करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए आज के दिन का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका व्यवसाय और करियर कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, व्यापार में विस्तार की योजना पर गंभीरता से काम करें। माल बनाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक है। मार्केटिंग तथा जन संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा, इसलिए अपना ध्यान आप इसमें केंद्रित रखें। साथ ही साथ नौकरी में तय लक्ष्यों को सरलता व सुगमता से आज आप हासिल कर पाएंगे, पर साथ ही साथ कोई भी छोटे बड़े निर्णय लेते समय किसी का मार्गदर्शन व सलाह आप अवश्य लें। बता दें, ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ आप समझौता बिल्कुल भी ना करें। नौकरी में अधिकारियों व सहकर्मियों के साथ संबंध आज अच्छे रहेंगे। आपको बता दें, कोई नया प्रोजेक्ट आरंभ हो सकता है, परंतु बाहरी व्यक्तियों पर भरोसा ना करें। किसी भी प्रकार की समस्या को घर के बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ की सलाह द्वारा सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपको बता दें, आपकी उदारता तथा मृदुभाषी स्वभाव से व्यापारिक संबंध और अधिक अच्छे बनेंगे, परंतु अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करना अति आवश्यक है। अपने कागजात व दस्तावेज संबंधी फाइलें आज थोड़ा संभाल कर रखें, कोई व्यक्ति इनका दुरुपयोग भी कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, आज आपको आस्मिक धन लाभ प्राप्ति के योग है। आपको अचानक से धन लाभ प्राप्त होगा। कई प्रकार की आपको आज खुशखबरियां मिलने वाली हैं धन से संबंधित। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह पैसा भी आपको मिल सकता है आज। बस ध्यान रखें कि आज आप किसी को उधार ना दें, नहीं तो आपका पैसा भी अटक सकता है, आपको हानि हो सकती है। और आपको बता दें, साथ ही साथ कानूनी पढ़ाई कर रहे लोगों को कामयाबी मिल सकती है आज, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान यह रखें कि प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में जल्द ही कोई बड़ी डील आज आपकी हो सकती है, जिससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ बता दें, नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का भी आपके ऊपर आज दबाव बना रहेगा, परंतु अपने कार्य के प्रति सजग रहें, सामर्थ्यवान रहें, समस्त कार्य आज आपके बहुत ही सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें,
आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु संतुलित आहार के साथ साथ व्यायाम और योगा जैसी चीजों पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही साथ बता दें, आज आप नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों तथा व्यंजनों से दूर रहें। और साथ ही साथ बता दें, वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए आज घातक हो सकती है, इसलिए वाहन आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या रहने वाला है, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक रहने वाला है 7 और भाग्यशाली रंग रहने वाला है जामुनी। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, किन किन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आप विष्णु चालीसा या फिर विष्णु आरती पढ़ने से आपको लाभ मिलेगा, जीवन से परेशानियां दूर होंगी। और साथ ही साथ क्या करें, आज आप सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उदय हो उस समय भगवान सूर्य देव को नमस्कार करें, भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए मन ही मन उच्चारण करते हुए, कोई भी भगवान सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें आप, और भगवान सूर्य देव को अर्घ दें, तो दोस्तों आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कोई कार्य नहीं बन रहे तो वह कार्य भी बनने लगेंगे, मतलब दिन नित्य प्रतिदिन यह तो आप नियम बना ले कि सब प्रथम भगवान सूर्य देव को आपको नमस्कार करना है, जल देना है और सूर्य देव के मंत्रों को आपको जाप करना है। सूर्य उदय के समय जीवन से परेशानियां खत्म होंगी, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपको उसी दिन से। और दोस्तों साथ ही साथ बता दें, आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आपका भाग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भाग्य का पूरे 88% साथ मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।